प्रिय विद्यार्थियों, RCHF 500 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति ज्ञात करना, उसके व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, हमने इससे पहले के वीडियो में इलेक्ट्रॉन के हमने त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त किया था, फिर हमने उसकी चाल का व्यंजक प्राप्त किया था, अब हम उसकी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो कैसे, तो आवृत्ति होती है Vn अपॉन 2πRn, यानी आवृत्ति Vn यहाँ कक्षीय वेग है और यहाँ पे जो Rn कक्षीय त्रिज्या है। अब हम यहाँ पे Vn, हमने इससे पहले Vn का व्यंजक प्राप्त कर लिया था और हमने Rn का व्यंजक प्राप्त कर लिया था, हम इसके अंदर Vn का जो मान रख देंगे और हम यहाँ पे Rn का मान यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे Fn बराबर, तो Vn का मान रखो, हमने पहले के वीडियो में तो इसे 1/2π गुणा रहेगा ये, तो अब हम मान रखने Vn का और Rn का। तो Vn का तो हमने मान प्राप्त किया था, वो था z स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट n h, ये मान था Vn का, इनटू 1 अपॉन देखो Rn क्या होगा कि जो मान रख देंगे Rn का भी, इसमें यहाँ पे जो ऊपर जो मान जाएगा, ये यहाँ Rn का जो मान है वो ऊपर जाएगा πm z स्क्वायर और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर और h स्क्वायर। भाई यहाँ मान रखेंगे Rn का, ऊपर πm z स्क्वायर, नीचे है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कट रहा उसे काट दे, देखो पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पे, और देखो इसमें क्या कट रहा है, और इन्हें गुणा करो, देखो तो Fn बराबर या देखो z स्क्वायर, दो पावर है z की, यहाँ पे ये हो जाएगा 4m, ठीक है भाई, दो दूनी 4, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n क्यूब और h भी क्या हो जाएगा h क्यूब, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये हमारा जो है आवर्ति का सूत्र आ गया, आवर्ति Fn बराबर में z स्क्वायर e की घात 4m अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट n क्यूब और यहां जाएगा h क्यूब। ठीक है, देखो यहां से हम संबंध देखें आवर्ति में और z को, ये प्राप्त हो रहा है समानुपाती का, जबकि आवर्ती में और n क्यूब में इस तरह से विक्रम संवत में प्राप्त हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजक है, ये हमारा सूत्र है कक्षीय आवर्ति, हम इस तरह प्राप्त कर लेंगे, कुछ नहीं है, ये रखेंगे सूत्र पहले। आवर्ति Fn बराबर होता है Vn/2πRn। ठीक है, Vn में Vn का जो है मान रख लेंगे, Rn की जगह जो Rn का जो मान है हमने पहले प्राप्त कर लिया, मान रख लेंगे, जो करते उसे काट देंगे, दिया हमें मान प्राप्त हो जाएगा, ये सूत्र है आवर्ती का। तो अब इसमें आपको हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, इसके अंदर हमें इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो किस तरह से। वो पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु सदृश लिथियम आयन के लिए हमें प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है। भाई हमें प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ये आयन दे रखा लिथियम। तो देखो यहाँ पे अपन जानते हैं कि जो सूत्र होता है कक्षीय त्रिज्या का, वो देखो दो प्रकार से होता है, एक इस प्रकार से होता है कि Rn जो है वो बराबर होता है n स्क्वायर z इंटू a नोड। तो भाई एक सूत्र होता है त्रिज्या का Rn बराबर n स्क्वायर अपॉन z इंटू a नोड, जहाँ a नोड क्या है, a नोड है बोर त्रिज्या, n संख्या है कक्षाओं की, z है परमाणु। ठीक है भाई, देखो ये है, अब यहाँ n का मान हमें दिया है प्रथम कक्षा, तो भाई n का मान क्या हो जाएगा 1, और लिथियम के लिए, ठीक है, तो इसके लिए भाई जो है z का मान क्या हो जाएगी 3, दोनों मान रख दो तो क्या जाएगा r n 1 बराबर n का मान 1 है 3 गुणा। अब देखो ये जो a नोड जो है ना, ये जो बोर त्रिज्या है प्रथम कक्षा की, इसका जो मान है वो पिकोमीटर में 53 पिकोमीटर होता है। भाई कितना होता है 53 पिकोमीटर, तो अपन इसका मान रख देंगे 53, ठीक है, पिकोमीटर pm। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर ये मान आ जाएगा, इसका मान जो है वो आ जाएगा सोल्व करने पर
यहाँ पे 17:66 PM ठीक है, ये इसका मान आ जाएगा सोल्व करने पर। तो ये तो हमें ये मान प्राप्त हो गया। तो इसका एक तरीका और है, आप इसको ये भी कर सकते हो कि जो त्रिज्या होती है कक्षीय त्रिज्या पर इसका एक फॉर्मूला और इस तरह ये भी होता है, आर एन बराबर इसका होता है, आर बराबर होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड इनटू आर वन, ये भी होता है, जहां पे आर वन का मान होता है 0.529 एंगस्ट्रम भाई, ठीक है, ये मान होता है आर वन का। तो आप चाहे तो इसको इससे भी हल कर सकते हो, तो आर एन बराबर जे एन का मान वही एक है, जेड का मान 3 गुना आर वन का मान दो 0.529 एंगस्ट्रम सोल्व करेंगे तो ये जो मान है इसका वो आ जाएगा 0.18 एंगस्ट्रम। तो ये दोनों तरीके सही हैं, आप जिससे चाहो से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, यहाँ पे हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है एन बराबर 4 70 के लिए, हमें दे रखा है यहाँ पे देखो, तो इसमें हमें त्रिज्या का मान दिया है, हमें दिया है त्रिज्या आर बराबर 0.5 × 10⁻¹⁰ मान दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन बराबर 4 व एन बराबर 70 वाली कक्षा में त्रिज्या ज्ञात करो, तो देखो एन बराबर 4 के लिए लगाएंगे 70 वही आर और बराबर एन स्क्वायर इंटू आर वन, एन का मान 4 हो जाएगा, आर फोर बराबर आर एन का वर्ग यानी 16 गुणा 0.5 × 10⁻¹⁰ मीटर। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान जो है वो आ जाएगा सोल्व करने पर आर फोर बराबर 8 × 10⁻¹⁰ मीटर आ जाएगा सोल्व करने पर। फिर आगे है एन बराबर 70 वाली, 70 के लिए सेम वही बात यहाँ पे है, इसके लिए यहाँ पे वही आर 70 बराबर एन स्क्वायर 70 का स्क्वायर गुना सेम त्रिज्या रहेगी 0.5 × 10⁻¹⁰ मीटर, ये सोल्व करेंगे इसको तो ये इसका आ जाएगा आंसर आर 70 बराबर में 2450 × 10⁻¹⁰ माइनस में, ये इसके दोनों मान आ जाएंगे सोल्व करने पर। ये हमारे इसमें कुछ आम के प्रश्न भी थे और हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, आज इतना ही, थैंक यू।